वंशागति का आणविक आधार चक्र हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कि डीएनए का द्विगुणन जो होता है किस मत से होता है, तो हम उसमें पढ़े हुए थे अर्धसंरक्षी मत। तो हम लोग पढ़े कि डीएनए का खोज कैसे हुआ, कौन किया। डीएनए जो होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, शर्करा, फॉस्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार दो प्रकार के होते हैं, पढ़े थे हम लोग, एक होता है प्यूरीन, एक होता है पायरिमिडीन। प्यूरीन होता है एडेनिन और गुआनिन, पायरिमिडीन होता है साइटोसिन, थायमिन और यूरासिन। हम सब पढ़ चुके हैं, आपको भी याद होगा, हम मान के चल रहे हैं, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि डीएनए आरएनए में अंतर क्या होता है। फिर हम लोग पढ़े कि डीएनए का पैकेजिंग कैसे होता है, कैसे डीएनए पैकेज होता है, और कैसे गुणसूत्र का निर्माण होता है, क्रोमोसोम का निर्माण होता है। फिर हम लोग पढ़े थे कि जो डीएनए होता है उसका द्विगुणन कैसे होता है, कैसे डीएनए एक से दो डीएनए कैसे बनता है। तो ये हम पढ़े नहीं थे, इसका हम लोग मत देखे हुए थे कि इसका तीन मत था कि इस तरह से होता होगा या इस तरह से या इस तरह से। तो उसमें से अर्धसंरक्षी मत जो है उसको साबित किया गया मैसेलसन और स्टॉल के द्वारा, तो वो सब हम लोग देखे हुए थे। अभी हम लोग आज देखेंगे आरएनए के प्रकार, ठीक है। आरएनए के प्रकार देखने के बाद हम लोग पढ़ेंगे डीएनए का द्विगुणन, कि डीएनए कैसे एक से दो में बढ़ता है। तो आज का टॉपिक होगा आरएनए के प्रकार, टाइप ऑफ आरएनए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के दृष्टिकोण से भी, आरएनए के प्रकार, टाइप ऑफ आरएनए। देखो आरएनए के बारे में थोड़ी बात हम जान चुके हैं, क्या क्या बातें जान चुके हैं। तो पहली बात कि आरएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब एकल कुंडलित होता है। डीएनए कैसा होता है, द्विकुंडलित, है ना। डीएनए जो होता है हम पढ़े थे कि ऐसे डबल स्ट्रैंडेड होता है, और आरएनए ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए में कौन सा शर्करा होता है, डीऑक्सीराइबो शर्करा होता है, और आरएनए में होता है राइबोज शर्करा। डीएनए में जो होता है थायमिन होता है, यूरासिल नहीं पाया जाता है। आरएनए में यूरासिल होता है, थायमिन नहीं होता है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े थे कि डीएनए कहाँ कहाँ होता है, तो डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, लवक में और केंद्रक में। और आरएनए कहाँ कहाँ होता है, तो आरएनए होता है केंद्रक में और कोशिका द्रव्य में, ठीक है। सब हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद आगे देखे तो हम लोग पढ़े हुए थे कि आरएनए जो होता है यह मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ का कार्य नहीं करता है, ठीक है। यह कार्य करता है कुछ विषाणुओं में भले ही काम करता है, लेकिन अधिकांश में यह आनुवंशिक पदार्थ का काम नहीं करता है। डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। इसको साबित करने के दो प्रयोग हमने पढ़े थे, ग्रिफिस का प्रयोग और हर्से एवं चेस का प्रयोग। तो इतना देखने के बाद जो है अभी देखेंगे आरएनए के प्रकार, कि आरएनए कितने प्रकार का होता है, ठीक है। कितने टाइप का आरएनए कोशिका में देखने को मिलता है। देखो कोशिका जो होता है, इसमें अगर हम लोग बात करें कोशिका के बारे में, तो कोशिका में जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र होता है, और कितना होता है, मनुष्य में होता है 23 जोड़ा, है ना। चिंपैंजी में होता है 24 जोड़ा, मकई में होता है 10 जोड़ा, मटर में होता है 7 जोड़ा। सब हम लिखवाए हुए थे इसको पहले वाले चैप्टर में, ठीक है। जीवाणु में होता है 1, तो ये सब हम लोग देखे हुए थे। तो क्रोमोसोम कहाँ होता है, कोशिका के केंद्रक के अंदर होता है। और क्रोमोसोम बना होता है किसका, डीएनए का बना होता है। अब वो डीएनए कहाँ है, केंद्रक के अंदर है, और डीएनए में ही सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जो भी अभी हम दिख रहे हैं, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है, या जो भी अलग अलग जीव हैं उनके अंदर जो भी उनके कार्य प्रणाली है, या फिर जो भी उनकी संरचना है, वो सब किसकी देन है, डीएनए की ही देन है। डीएनए के अंदर ही सूचना है, ठीक है। अगर हम लोग मनुष्य का, मछली का, है ना, उसके अलावा जो है मुर्गा का, इन सबका अगर हम लोग इम्ब्रियो देखें, भ्रूण देखें, तो सबका जो भ्रूणीय अवस्था में जब ये होते हैं तो सबका भ्रूण समान दिखता है। हम देख के नहीं पहचान सकते हैं कि कौन सा भ्रूण इंसान का है, कौन सा भ्रूण मछली का है, कौन सा भ्रूण जो है वो बतख का है, कौन सा भ्रूण जो है हेन का है, मुर्गा का है, हम नहीं पहचान सकते हैं। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि इंसान वाले भ्रूण से इंसान बनता है, मछली वाले भ्रूण से मछली बनता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जो सूचना है, मनुष्य के कोशिका जो भ्रूण है उसके अंदर जो सूचना है मनुष्य वाला है, इसलिए वो मनुष्य बनता है। मछली के अंदर सूचना है वो मछली वाला है, इसलिए वो मछली बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो सूचना है ये कहाँ पर है, डीएनए के पास। और जो भी हमारे इस अंग का निर्माण होता है, जो भी हमारा विकास होता है, या हमारे जो भी केमिकल्स बनते हैं, वो सब बने होते हैं प्रोटीन के। और प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में होता है राइबोसोम, है ना। राइबोसोम नाम सुने थे ना, राइबोसोम एक एकल झिल्ली सहित कोशिकांग, मतलब एक झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग, सबसे छोटा कोशिकांग है, ठीक है। सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है कोशिका में। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम करता है। राइबोसोम बना होता है आरएनए और प्रोटीन का,
राइबोसोम बना होता है किसका? आरएनए और प्रोटीन का, और इसीलिए इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। किसको बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं, ठीक है। और राइबोसोम कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, लेकिन राइबोसोम खुद से प्रोटीन नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम के पास केवल ये पता है कि प्रोटीन बनाना कैसे है, लेकिन कौन सा प्रोटीन बनाना है, क्योंकि प्रोटीन बने होते हैं 20 एमिनो अम्ल से। प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है, जो इकाई है, वो क्या है? एमिनो अम्ल है। और एमिनो अम्ल के जुड़ने से ही प्रोटीन बनता है। और एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के। तो वो 20 प्रकार के जो एमिनो अम्ल हैं, वो अलग अलग प्रकार से जुड़ते हैं और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब वो जो प्रोटीन निर्माण है, वो डिपेंड करता है कि डीएनए किस तरह का सूचना रखा हुआ है। क्योंकि हम देखें तो मनुष्य है, कुत्ता, बिल्ली, जितना भी जीव इस धरती पर है, वो सब बना है प्रोटीन का। सबके अंदर जो केमिकल्स हैं, वो भी क्या है? प्रोटीन है। लेकिन क्या सब प्रोटीन सेम है? नहीं, प्रोटीन अलग अलग है। अब सब प्रोटीन अलग अलग है, अब बनाया तो राइबोसोम ही है। तो अगर राइबोसोम अपने मन से बनाता, सब प्रोटीन सेम बना जाता, है ना? जितनी जैव विविधता रहती ही नहीं, जितना अभी है धरती पर। तो ये सब क्यों है? सब डीएनए के कारण है। क्योंकि डीएनए में सूचना है वो अलग अलग है, और उस सूचना के आधार पर राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम खुद से प्रोटीन नहीं बनाता है, अपने मन से नहीं जोड़ता है एमिनो अम्ल को प्रोटीन बनाने के लिए। तो यहाँ पर फिर क्या होता है कि डीएनए के अंदर इन्फॉर्मेशन है, और वो इन्फॉर्मेशन किसको चाहिए? राइबोसोम को चाहिए। लेकिन दिक्कत ये है कि डीएनए खुद निकल के बाहर नहीं आ सकता है। डीएनए खुद बाहर आकर जो इन्फॉर्मेशन है वो राइबोसोम को नहीं दे सकता है। तो फिर क्या होता है कि डीएनए जो है ये खुद चूँकि बाहर नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि डीएनए हम लोग को पता है कि एक द्विकुंडली संरचना है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, है ना? इसमें दो श्रृंखलाएं होती हैं, इसके कारण इसकी आणविक द्रव्यमान बहुत उच्च हो जाती है, हाई मोलिकुलर मास हो जाता है इसका, और इसलिए ये बाहर नहीं आ पाता है। तो फिर क्या होता है कि जो डीएनए है ये चेंज होता है आरएनए में। डीएनए किस में चेंज होता है? आरएनए। डीएनए क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। और ये डीएनए से जो आरएनए बनने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। और फिर ये जो आरएनए है वो क्या करता है कि सूचनाओं को यहाँ से निकाल कर लेकर कहाँ आता है? राइबोसोम के पास लेकर आता है। मतलब डीएनए के पास जो भी सूचना है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारा इन्फॉर्मेशन डीएनए दे देता है किसको? आरएनए को। और फिर आरएनए इन्फॉर्मेशन को लेकर बाहर आता है राइबोसोम के पास। अब चूंकि ये आरएनए मैसेंजर का काम कर रहा है, मतलब कि मैसेज लाने का काम कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक? डीएनए से राइबोसोम के पास। इसलिए इस आरएनए को बोलते हैं एमआरएनए। क्या बोलते हैं इसको? एमआरएनए। एम मतलब होता है मैसेंजर, एम मतलब क्या होता है? मैसेंजर, संदेश वाहक, संदेश वाहक, मैसेंजर आरएनए। इस आरएनए को क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, एमआरएनए। तो एमआरएनए का काम क्या है कि एमआरएनए जो है डीएनए से सूचनाओं को राइबोसोम तक लाने का काम करता है। और जो मैसेंजर आरएनए है ये कुल आरएनए का 5 से 10% होता है। कितना होता है? 5 से 10%। जितना आरएनए कोशिका के अंदर है उसका 5 से 10% ही मैसेंजर आरएनए होता है, जो कि इन्फॉर्मेशन को लाने का काम करता है डीएनए से राइबोसोम के पास। अब मान लो कि इन्फॉर्मेशन तो आ गया, पहले डीएनए था, डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन था, वो उसको भेजना था कहाँ? राइबोसोम के पास। तो डीएनए से अपना वो आरएनए बनाया, है ना? और डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन। और कौन सा आरएनए बना? एमआरएनए। और वो एमआरएनए के पास जब इन्फॉर्मेशन आ गया, तो उस इन्फॉर्मेशन को लेकर वो कहाँ आया? राइबोसोम के पास आया। और राइबोसोम के पास जब वो मैसेंजर आरएनए मैसेज लेकर आ गया, संदेश लेकर आ गया, तब अब क्या चाहिए कि राइबोसोम को चाहिए? एमिनो अम्ल। क्योंकि प्रोटीन बनेगा किससे? एमिनो अम्ल से। एमिनो अम्ल ही नहीं रहेगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा? तो इसलिए राइबोसोम को क्या चाहिए? एमिनो अम्ल चाहिए। तो कुछ और आरएनए होते हैं, वो आरएनए क्या करते हैं कि एमिनो अम्ल जहाँ है, कहाँ है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका में जो कोशिका द्रव्य होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, वहाँ पर होते हैं एमिनो अम्ल। और एमिनो अम्ल को कोशिका द्रव्य से उठाकर राइबोसोम तक लाने का काम कुछ
आरएनए करते हैं, और वो जो आरएनए हैं उन्हें कहा जाता है ट्रांसफर आरएनए। क्या कहा जाता है उनको? ट्रांसफर आरएनए या फिर टीआरएनए, या फिर हिंदी में बोलते हैं इनको स्थानांतरण आरएनए। क्या बोलते हैं? स्थानांतरण आरएनए। तो अभी तक हमने दो तरह का आरएनए पढ़े, एमआरएनए और एक कौन हुआ टीआरएनए। एमआरएनए कितना होता है? 5-10%। टीआरएनए कितना होता है? 10-15%। टीआरएनए कितना होता है? 10-15%। और सबसे ज़्यादा अस्थाई प्रकार का आरएनए यह है। अस्थाई मतलब बिल्कुल भी अस्थाई नहीं है, अस्थाई प्रकार का है। मतलब बहुत जल्दी ही क्या होता है, जैसे ही इसका काम ख़त्म हो जाता है, जो ट्रांसफ़र आरएनए है, जो स्थानांतरण आरएनए है, यह चेंज हो जाता है कुछ बहुत छोटे छोटे अणुओं में, और जाकर जो कोशिका द्रव्य है उसमें मिल जाता है, मिलने का काम करता है। और इसलिए इसको विलेय आरएनए भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलेय आरएनए या फिर सॉल्यूबल आरएनए, या फिर इसी को एसआरएनए भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसआरएनए, सॉल्यूबल आरएनए। तो आरएनए कितने टाइप का हुआ? दो टाइप का। कौन कौन? एक हुआ एमआरएनए, एक हुआ टीआरएनए। एमआरएनए क्या करता है? तो एमआरएनए सूचनाओं को पहुंचाता है कहां से कहां? डीएनए से राइबोसोम के पास। और फिर जब इन्फॉर्मेशन पहुंच गया तो राइबोसोम को क्या करना है? प्रोटीन बनाना है। प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल कहाँ है? कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका द्रव्य से उठाकर एमिनो अम्ल को राइबोसोम के पास कौन पहुंचाएगा? आरएनए। उस आरएनए को क्या बोलते हैं? ट्रांसफर आरएनए, क्योंकि वो ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, स्थानांतरण करने का काम कर रहा है। दो तरह का आरएनए हुआ, मैसेंजर आरएनए और एक कौन हुआ? ट्रांसफर आरएनए। अब ये खुद जो राइबोसोम होता है ये भी बना होता है आरएनए का। राइबोसोम ही बना होता है किसका? आरएनए। शुरू में ही बताए हैं कि राइबोसोम बना होता है दो चीज़ों का, आरएनए और प्रोटीन। इसीलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। क्या कहा जाता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है। तो वो जो आरएनए है जो कि राइबोसोम में पाया जाता है उसको कहते हैं आरआरएनए। क्या कहते हैं उसको? आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। आर का मतलब यहाँ पर क्या है? राइबोसोमल, राइबोसोमल। और जब एमिनो अम्ल आ गया है, अब कौन लाया? टीआरएनए लाया। जब एमिनो अम्ल आ गया है राइबोसोम के पास, ठीक है, मैसेज भी आ गया है कि इस तरह का प्रोटीन ही बनाना है, तब ये जो राइबोसोमल आरएनए है यह उस मैसेज के आधार पर एमिनो अम्ल को जुड़ना शुरू करता है और प्रोटीन का निर्माण करना शुरू करता है। और ये सबसे अधिक पाया जाने वाला आरएनए है। कौन? आरआरएनए। सबसे ज़्यादा पाया जाता है 80-85%। मैसेंजर आरएनए कितना था? 5-10%। जो संदेशवाहक आरएनए था ये कितना था? 5-10%। ट्रांसफर आरएनए कितना था? 10-15%। और जो राइबोसोमल आरएनए कितना होता है? 80-85% होता है। तो हम लोग क्या क्या देखें कि आरएनए कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। आरएनए क्या है? आरएनए कह सकते हम लोग कि आरएनए एक तरह का न्यूक्लिक अम्ल है। शुरू में हमने पढ़े थे न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, डीएनए आरएनए। कुछ अंतर होता है डीएनए और आरएनए में, वो हम लोग लिख चुके हैं पहले, मेरे ख्याल से आप याद भी कर चुके होंगे। अभी हम लोग आरएनए का प्रकार देख रहे हैं, कितने प्रकार होता है फिर से देखते हैं। एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, मतलब संदेशवाहक आरएनए, वह आरएनए जो संदेश को ले जाने का काम करे। कहाँ से कहाँ ले जाएगा? डीएनए से राइबोसोम के पास ले जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। कितना होता है? 5-10%। जब एमआरएनए मैसेज लेकर आ गया तो राइबोसोम को उस मैसेज के आधार पर प्रोटीन बनाना है, और प्रोटीन निर्माण के लिए क्या चाहिए होता है? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल कहाँ है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य से उठाकर उस एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक लाने का काम कौन करता है? ट्रांसफर आरएनए। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतर आरएनए, जो कि कितना होता है? 10-15%। और ये बहुत ही अस्थाई प्रकार का होता है। जैसे ही इसका काम खत्म हुआ यह जाकर फिर से कोशिका द्रव्य में मिल जाता है, घुल जाता है। इसलिए इसको विलेय आरएनए, सॉल्यूबल आरएनए भी कहा जाता है। तीसरा जो आरएनए होता है उसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, जो कि कहाँ होता है? राइबोसोम में ही होता है। और जब एमिनो अम्ल आ चुका है, इन्फॉर्मेशन आ चुका है, उसके आधार पर वो एमिनो अम्ल को जोड़ता है और प्रोटीन का निर्माण करता है, तो उस आरएनए को बोलते हैं आरआरएनए, जो कि होता है 80-85%।
ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है बहुत सारा, और इसमें जो है लॉन्ग आंसर में भी पूछा हुआ है एक चौथा दफा। तो ये था आरएनए का प्रकार। अब हम लोग अगले वीडियो में जो है बात करेंगे डीएनए का द्विगुणन, कैसे डीएनए का द्विगुणन होता है और कैसे एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण होता है, इसको लिख लेना, इम्पोर्टेंट चीज़ था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएनए के द्विगुणन के बारे में, तब तक